नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बिहार की महागठबंधन सरकार को एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है। नई सरकार ने जनता को विकास के कई सपने दिखाए, बिहार को नंबर वन बनाने के कई दावे किए गए, युवाओं को बंपर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। लेकिन क्या बिहार में सच में बदलाव हुआ है? करीब इन दो महीनों में सरकार राज्य की जनता के भरोसे पर कितना उतर पाई है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जल्दी एक महीने के अंदर ऐसा बंपर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने एक महीने से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस एक महीने को जनता से किए वादों कसौटी पर कसे तो सरकार का ये कार्यकाल कई मायनों में खास है। शपथ ग्रहण करने के बाद बिहार के युवा नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक महीने के अंदर बिहार के बेरोजगार युवाओं को बंपर सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बिहार में किस कदर युवाओं पर लाठी बरसाई गई। इतना ही नहीं, करप्शन पर सख्ती बरतने की बात करने वाले सुशासन बाबू की नाक के नीचे एक थाना प्रभारी रिश्वत मांगते नजर आता है, जिसका हाल ही में सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है। क्राइम फ्री बिहार बनाने वाली सरकार के राज में ही खुलेआम बदमाश वैशाली और बेगुलसराय में गोली बरसाते हुए नजर आते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। राज्य का विकास छोड़ नीतीश अपना विकास करने में लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वही अब सवाल ये उठता है कि एक महीने में राज्य में क्या बदलाव आया, प्रदेश के विकास में कितनी प्रगति हुई, कितने लोगों को रोजगार मिल पाया। बिहार के युवा सरकार से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जब तक बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी तब तक राज्य का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। आइए छपरा की जनता से जानते हैं कि वे नई सरकार के कार्यकाल को किस कदर देखती है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए तकरीबन एक महीने से ज़्यादा हो गया है और अभी हम छपरा के मढ़ौरा एक चाय दुकान पे हैं। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि नई सरकार जो बनी है महागठबंधन की, इससे लोगों को कितना फायदा हुआ। आपको बता दें कि युवा सरकार है, तेजस्वी यादव 20 लाख नौकरियों को लेकर भी दावा किए हैं, लेकिन यहाँ पे चाय दुकान पे हम लोगों से जानकारी लेंगे कि क्या नई सरकार में बदलाव हुई है और क्या नई सरकार से लोग उम्मीद रखें। सर, क्या लग रहा है नई सरकार में, जिस तरह महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, युवाओं को कितना फायदा होगा इससे? इस सरकार से युवाओं को कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, नहीं किसी जनता को, इसलिए कि जब तक जदयू किसी सरकार से गठबंधन करेगी वो अपने स्वार्थ के बस के लिए वो गठबंधन करती है, इससे विकास का उम्मीद जनता को छोड़ देना चाहिए। आखिर क्यों विकास की उम्मीद छोड़ देना चाहिए जनता से? इसलिए कि नीतीश कुमार अभी 15 साल से है, इनको एक भी विकास हमको नहीं लौक रहा है। इतना नौजवान को वैकेंसी निकलता है, कोई ना कोई कारण से उसको रद्द किया जाता है, उसको सस्पेंड में डाल दिया जाता है। जब तक कोई सरकार फुल बहुमत में नहीं आएगी तब तक बिहार का विकास होने वाला नहीं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। महागठबंधन की सरकार बनने से कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। यहाँ पे बोले थे लोग 20 लाख नौकरी देने के लिए, 2 लाख नौकरी निकला हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, 1 लाख बिहार पुलिस में निकला हुआ है। बहुत बदलाव हुआ है, धीरे धीरे ना होगा, एक बार कहाँ से हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है नई सरकार से, तेजस्वी की सरकार से, कि ये कुछ नया करेंगे युवाओं के लिए? बहुत करेंगे, रहेंगे तो बहुत करेंगे, वो नया लोगों के लिए बहुत काम करेंगे, फुल बहुमत में आ जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या करते हैं? जी, मैं आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हूँ, गेस्ट इंस्ट्रक्टर। क्या लग रहा है, नई सरकार बनी है तो कुछ उम्मीद है उससे? उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि नौजवानों की सरकार है और नौजवान है तो नौजवानों के बारे में ज़रूर सोचेंगे। खुद अभी जैसे स्वास्थ्य विभाग में निकली है, बिहार पुलिस में निकलनी है, मतलब शुरू हो गया है निकलना, अभी तो एक महीना हुआ सरकार बने हुए, अभी धीरे धीरे देखिए बहुत निकलेगा। तेजस्वी यादव जो दावा किए थे कि 20 लाख नौकरी देंगे, ये कितना सच है? ये सच क्या होगा, अभी 5 साल में देंगे ना, अभी तो शुरू हुआ है, 5 साल तक हो जाएगा रोजगार उनको फिर से, क्योंकि नौकरी पर उनका फोकस है पूरा, नौजवान है तो नौजवान के नाते नौजवान पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार से भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है? अभी तो ठीक है,
आगे क्या ठीक है चल रहा है अभी, कहाँ कोई कुछ हुआ है सर? कुछ और लोग हैं उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करें, क्या लग रहा है नई सरकार में युवाओं को क्या सोचते हैं इस सरकार को लेकर? युवा सरकार है तो युवा के बारे में जरूर कुछ सोचेंगे, सही सोचेंगे। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद जता रखे हैं इनसे? वैकेंसी आ रही है तो जो जो रोजगार है वैकेंसी जो है आ रही है उसमें होगा। बिहार पुलिस शिक्षा विभाग में जो मार्च में 1.5 लाख की वैकेंसी आने वाली है शिक्षा विभाग में, कोर्ट में भी 7600 का है जो क्लर्क और चपरासी वाला भी बहाली आया है, अथी वाला 10+2 में, और लाइब्रेरी वाला भी बहाली आने वाला है। तो डिप्टी CM तेजस्वी यादव हैं, बिहार के युवा हैं, उनसे क्या आप उम्मीद रखे हैं? एक युवा हैं तो युवा के बारे में अच्छा ही सोचेंगे कि जो रोजगार 20 लाख के जो किए हैं, जो 5 साल में थोड़े थोड़े के अथी होगा वो बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन जाने से कितना बदलाव हुआ सर, क्या क्राइम पे कंट्रोल हुआ है कि फिर वैसे पहले जो था वैसे ही है? क्राइम पर तो कंट्रोल हुआ है, बहुत कंट्रोल हुआ है। पहले क्या स्थिति थी, आज बहुत बढ़िया स्थिति चल रहा है। लोग रोड पर चल रहे हैं, निफिक्र होकर चलते हैं, आधी रात हो या दोपहर हो कभी भी चलते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है। क्या उम्मीद है नई सरकार से? महागठबंधन की सरकार बनी है, युवा की सरकार बनी है जिसकी चर्चा देश में हो रही है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं युवा? युवा तो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, पेपर वगैरह में वैकेंसी तो आ रही है, अब देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए कि हम छपरा के अभी मढ़ौरा एक चाय दुकान पर हैं और यहाँ पे युवाओं से बात करने के बाद नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें जताए बैठे हुए हैं और खुशी भी है लोगों के अंदर, लेकिन कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, एक और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि नई सरकार बन जाने के बाद लोगों को क्या फ़ायदा हुई है। आपके पास तो अनेकों प्रकार के लोग आते होंगे चाय पीने के लिए, लिट्टी समोसा खाने के लिए, क्या किस प्रकार की चर्चा होती है सरकार को लेकर? सरकार में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्राइम कंट्रोल होने वाला नहीं है सरकार से। अब बताइए हाईवे पर 30-30 किलोमीटर गोली चल रहा है, अब बोला जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल हो रहा है, कहाँ कंट्रोल हो रहा है? हर दिन पेपर में देखिए, न्यूज़ पर देखिए तो सब दिन सुनने को आता है आज फलाने जगह गोली चल गया, फलाने व्यापारी का हत्या हो गया, फलाने का लूट हो गया, क्राइम कहाँ कंट्रोल हुआ है? तो क्या लग रहा है ये नई सरकार जो महागठबंधन के बनी है इसमें क्राइम कंट्रोल हो रही है कि बढ़ावा दी जाएगी? अभी क्राइम बढ़ रहा है, हम चाहेंगे कि सरकार क्राइम को कंट्रोल करे। युवा नेता है तेजस्वी यादव, उनसे क्या उम्मीद लगाए आप लोग बैठे हैं? युवा नेता से आशा है कि हाँ कुछ अच्छा करेंगे, अब कर दिखाएं तब तो देखेंगे कि जो युवा हैं। और भ्रष्टाचार और अपराध पे बात किया जाए तो कुछ लोग की कहना है कि सरकार में जिस तरह क्राइम की रेशियो बढ़ रहा है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग और हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मालिक का काम करते हैं। तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं नया सरकार से? क्या उम्मीद लगाए बैठेंगे, जो होगा ठीक ही होगा, ठीक है। तो देखेंगे कि जो युवा हैं वो लगातार उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह तेजस्वी यादव पे लोगों की उम्मीद टिकी है, लेकिन देखना यह होगा उस पर वो कितने खड़े उतरते हैं। ये मढ़ौरा की जनता की ओपिनियन थी। अब कुछ और भी लोग हैं उनसे हम लोग जानने की लगातार कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि हम मढ़ौरा ITI के सामने थे और लोगों से ओपिनियन लेकर आपको रूबरू कराए कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लोगों को कितनी फ़ायदा हुई और कितनी इस सरकार से लोग खुश हैं। तो आप देखते रहिएगा TNP News। कैमरा पर्सन पवन के साथ चंदन कुमार चंचल, छपरा।